समिट की बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी डिप्लोमेट्स रविवार को वाराणसी पहुंचे। बता दें शाम को दशवामेश घाट पर होने वाली गंगा सेवा निधि की भव्य आरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। जहां योगी सरकार की ओर से विदेशी आगंतुकों के सत्कार के लिए यहां महाआरती का आयोजन किया गया था। गंगा तट पर ग्रैंड वेलकम से G20 के डिप्लोमेट्स भी अभिभूत दिखे। इसके लिए जिला प्रशासन और गंगा सेवा निधि की ओर से तैयारियां को पहले से ही पूरा कर लिया गया था। बता दें गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में घाट की आरती पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। काशीवासियों के लिए हर्षोल्लास की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों से वाराणसी में इसकी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशी डेलीगेशन घाट पर भगवती मां की आरती में शामिल हुए हैं। गंगा सेवा निधि की ओर से 9 आर्चकों में मां गंगा की भव्य महाआरती के साथ ही 18 देव कन्याएं भी आरती में शामिल हुई हैं, जो कि मां गंगा की महाआरती को और भी भव्यता प्रदान कर रही हैं। इस अवसर पर घाट को भव्य रूप से सजाया गया।